भरवा करेले बनाने के लिए हमने करेलों को इस तरीके से छील लिया है। इसके अंदर का जो गूदा होता है वो पूरा निकाल के हमने यहाँ स्टोर किया है, तो इसको हम मसाले के लिए यूज़ करने वाले हैं। और अब हम थोड़ी देर तक इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम ये इंस्टेंट भरवा करेला बना रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ी देर धूप में रखना ज़रूरी है, ताकि इसका जो बाहर का मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पर ले लिया है हमने 4 से 5 बड़े प्याज और लहसुन, और हमने इस तरीके से इनको काट लिया है। तो थोड़े प्याज को हमने छौंके के लिए रख लिया था, और बाकी के बड़े कटे हुए प्याज़ों को और मसाला और लहसुन को हमने पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास सौंफ भी है तो आप सौंफ का यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और एक खुशबू आती है मसाले में। तो ये बन चुका है, अब मसाले को पकाने की बारी है। तो यहाँ तेल में ले लिया है मैंने जीरा, जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद जो बाकी बचे कटे हुए प्याज थे उनको डाला है, प्याज को फ्राई करना है। प्याज को हमें लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। इसमें आप अगर मसाले का यूज़ ये करेले के गूदे का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो अगर आपको कड़वा लगता है तो आप आलू वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज हो चुके थे ब्राउन, तो इसमें मैंने डाल दिया है ये गूदे वाला मसाला। और अब बाकी के जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डाल दिया है हमने। और अब हमें इसको अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है। ढक दिया है इसको, अब मसाले ने तेल छोड़ दिया है, यानी कि ये पक चुका है बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके का हो चुका है ये। अब गैस को कर देंगे बंद, और गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें डाला है ढेर सारा अमचूर पाउडर, लगभग 2 बड़े चम्मच। अब हम कर लेंगे करेलों को फ्राई। जी हाँ, हम पहले ही करेलों को फ्राई कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कड़वाहट बची हो तो वह चली जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि भरवा करेले बनाने के बाद जिस भी तरीके से बनाए हल्के कड़वे रह जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप करेला बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, और आपके बच्चे भी खुशी खुशी करेले को खा जाएंगे। तो इस तरीके से एक बार फ्राई करके बनाइएगा। ये हो चुके हैं फ्राई करेले यहाँ पर, इनको अब प्लेट्स में निकाल लेते हैं। और अब बाकी के बचे हुए करेले जो कि हमने कुछ इस तरीके से काट लिए थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे ना, इसलिए हमने काट लिया था, तो उनको ले लेंगे अब और इनको भी तल लेंगे। जो ज़्यादा बड़े, वैसे भरवा करेले छोटे करेलों का बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास बड़े करेले हो और आपका मन करे कि नहीं मुझे तो भरवा करेला ही खाना है, तो आप इस तरीके से काट के और इसी तरीके से इसको बनाइएगा। अब हम इसमें मसाला भरते हैं, जो मसाला हमने बनाया था भूनकर, और इसको आपको बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, तो ये अब पहले से ही फोल्डेड है, तो ये खुलने का कोई चांस नहीं है। कच्चे करेले में जब आप मसाला भरते हैं तो उसको बांधने की ज़रूरत या चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमने पहले से ही फ्राई किया हुआ था, इसलिए इसको बांधने या चिपकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं खुलेगा मसाले में। और ये रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहते हैं दाल चावल के साथ, तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मसाला भुन चुका है, करेला हमारा फ्राई है बिल्कुल। तो सारे करेलों में मसाला भर देंगे हम। तो हो चुके हैं हमारे सारे करेले रेडी। अब आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 5-6 दिनों के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा ये बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको ग्रेवी वाले मसाले का यूज़ करना है जो कि बचा हुआ था, तो हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। हल्के से तेल में डालेंगे हम जीरा, और इसका जो जीरे को भूनने के बाद जीरा जब ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद जो इसका बचा हुआ पेस्ट था, अच्छा बचे हुए पेस्ट को आप अचार की तरह यूज़ कर सकते हो, उसमें नींबू मिला के पराठे के साथ खा सकते हो, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी वाला करेला बना रही हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, और उसको स्टोर कर लीजिएगा 5-6 दिन के बाद, जब आपको मन हो ग्रेवी बनाकर उनको ग्रेवी में डाल दीजिएगा, वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि वो फ्राइड है और उसमें अमचूर का यूज़ हुआ है, तो मसाला भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें डाला है मैंने लाल
मिर्चें जो कि हमारे खेत में लगी है 4 से 5, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इसकी ग्रेवी जैसी बना देंगे। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, और मतलब मीडियम ग्रेवी जैसा आप देखते ही हो बाज़ार में या फिर शादी वगैरह में बनती है उसी टाइप का बनाना है। और इसको थोड़ी सी देर ढक देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको ढकेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद देखेंगे इसका हाल। तो ये कुछ ऐसा हो चुका है, आप देख ही रहे हो मसाले ने तेल छोड़ दिया, यानी कि ये वैसे भी ये पका हुआ ही मसाला था फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं इसको। तो ग्रेवी बन चुकी है हमारी, और अब हम इसमें करेले डालेंगे। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, दाल चावल या दाल रोटी के साथ। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगी। अब इसको फिर से एक बार 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। तो ढकने के बाद 5 मिनट के बाद करेले कुछ ऐसे हुए, इसको पलट पलट के मसालों में इसको लपेट लीजिए। तो बन चुका है हमारा करेला, भरवा करेला नए स्टाइल में, जो कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और बनाने में भी इजी है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, एक बार ट्राई कीजिएगा बनाना। तो अब हम इसको प्लेट आउट करके आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आप अगर भरवा करेले बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप इसको 1 हफ्ते तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप फ्रिज में स्टोर कीजिएगा प्लीज़। तो बन चुका है हमारा करेला, अब इसको हम करते हैं प्लेट आउट और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने भरवा करेला की रेसिपी, जो बनाने में बहुत इजी है। और ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये सुपर ग्रहणी की रेसिपी है, जिन्होंने मुझे शेयर किया था और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो थैंक यू सुपर ग्रहणी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक रहे नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।